हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। दिस इज अंजना ठाकुर और आज हम करने वाले हैं कप्स एंड ट्रॉफी के बारे में। बहुत सारी हमारी कप और ट्रॉफी होती है, गेम्स के रिलेटेड हम करने वाले हैं। तो हर एक गेम्स के अंदर अलग अलग हमारी कप और ट्रॉफी रहती है, लेकिन हम जो करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और पीछे पूछी गई हैं। तो हम वही चीजें करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले क्रिकेट के अंदर देखते हैं, इसमें देखिए रणजी ट्रॉफी रहती है, काफी फेमस ये रहती है रणजी ट्रॉफी, जो कि डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस रहते हैं। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी रहेगी इसमें। और ईरानी ट्रॉफी होती है, ईरानी ट्रॉफी भी एनुअली खेली जाती है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच रहती है। बीसीसीआई के द्वारा ये कंट्रोल की जाती है, बीसीसीआई भारत के अंदर क्रिकेट को कंट्रोल करता है। तो बीसीसीआई के द्वारा ये ईरानी ट्रॉफी जो है वो की जाती है। इसके अलावा देखिए सी के नायडू ट्रॉफी, सी के नायडू हमारे कौन थे, ये इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे, इंडिया के जो है फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे ये, और इन्हीं के नाम से सी के नायडू ट्रॉफी दी जाती है। फिर है मैंगो कप, मैंगो कप भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ट्रेंगुलर लिमिटेड ओवर जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट रहता है ये। फिर है दिलीप ट्रॉफी होती है इसमें, जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप रहती है। फिर है विजय हजारे ट्रॉफी, देखिए इसमें जो पूछा जाता है वो सिंपली पूछा जाएगा कि ये ट्रॉफी जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है। जैसे पूछा जाएगा कि रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से जुड़ा हुआ है या ईरानी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है, तो इसी तरीके से सभी गेम्स के अंदर पूछा जाता है। तो काफी डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है कौन सी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है। तो इसमें विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी है, और इसमें विजिटन ट्रॉफी, देवदार ट्रॉफी या मर्चेंट कप, बिल्स ट्रॉफी रहता है, और भी इसमें रहती है, लेकिन ये आपने याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हॉकी के अंदर देखिए आगा खा कप, आगा खान कप होता है हॉकी के अंदर, और वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल टूर्नामेंट रहता है हॉकी के अंदर ये। फिर सहानी ट्रॉफी होता है, ध्यानचंद ट्रॉफी जो कि मेजर ध्यानचंद जी जिनको हॉकी के जादूगर बोला जाता था उनके नाम से दी जाती है। फिर रंजीत सिंह गोल्ड कप है, रंगा स्वामी कप है, अजलन शाह कप, यह है हॉकी से रिलेटेड। और इसके अलावा भी है सिंधिया गोल्ड कप है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी कप है, नेहरू ट्रॉफी, एमसीसी ट्रॉफी, गुरु नानक कप, और भी बहुत सारी रहती हैं। तो हॉकी की हो गई हमारी। फुटबॉल के अंदर देखते हैं, इसमें देखिए मडेका कप रहेगा, काफी बार पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार। ठीक है, जैसे हॉकी के अंदर भी हमारा कौन सा, ये देखिए रंगा स्वामी कप जो है ये काफी पूछा जाता है, तो रंगा स्वामी कप याद रखना है। सिंधिया गोल्ड कप, आगा खा कप ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सहानी ट्रॉफी, तो उसी तरीके से फुटबॉल के अंदर मडेका कप, संतोष ट्रॉफी ये याद रखनी है, पीसी रॉय ट्रॉफी, रोबर्स कप भी काफी पूछा जाता है, और दुरंध कप याद रखना है। दुरंध कप जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट जो है वो टूर्नामेंट रहता है, तो एशिया में ओल्डेस्ट जो है वो ये टूर्नामेंट रहता है, और सबसे पहले 1888 में ये खेला गया था। तो एनुअली ये खेला जाता है, हर साल खेला जाता है, डोमेस्टिक फुटबॉल चैंपियनशिप रहती है। तो 1888 में सबसे पहले कहाँ खेला गया था, शिमला में खेला गया था, ये याद रखना है। और सुब्रतो कप रहता है, आगा खा कप नहीं रहेगा, ये हमारा किसके अंदर था, हॉकी के अंदर होता है आगा खा कप। और फिर हमारा बैडमिंटन के अंदर देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे, इसमें देखिए उबेर कप रहता है, उबेर कप और थॉमस कप काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। उबेर कप जो होता है स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, विमेन के लिए होता है, वर्ल्ड विमेन्स टीम चैंपियनशिप भी इसको बोला जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1956 एंड 7 के अंदर, 1956 एंड 7 के अंदर उबेर कप किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए रहता है बैडमिंटन के अंदर, और थॉमस कप रहता है मेंस के लिए।
ठीक है, ये होता है मेंस मेंस टीम चैंपियनशिप, वर्ल्ड मेन टीम चैंपियनशिप रहती है, और 1949 के अंदर ये सबसे पहले खेला गया था। इसके अलावा सुधीरमन कप रहता है, चड्डा कप, नारंग कप भी याद रखना है, और दीवान कप, ये सभी भी बैडमिंटन के अंदर रहेंगे। फिर है बास्केटबॉल के अंदर, देखिए दो याद रखने हैं, टोड मेमोरियल ट्रॉफी और विलियम कप, टोड मेमोरियल ट्रॉफी एंड विलियम कप, ये दो आपने याद रखने हैं बास्केटबॉल के अंदर। फिर है लोन टेनिस में देखिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं रहती है, जो कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अब ये हमारा सीक्वेंस में रहती है, तो ये चारों हमारी रहेंगी। सबसे पहली साल की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है लॉन टेनिस के अंदर, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेलबोर्न में खेली जाती है, ठीक है, हर साल ये मेलबोर्न पार्क में खेली जाएगी। कब खेली जाती है? जनवरी के अंदर, इस साल की पहली होती है, जनवरी के अंदर खेली जाएगी। कहाँ पर? मेलबोर्न के अंदर। और ये खेली जाती है हार्ड कोर्ट के ऊपर, ये याद रखना है, हार्ड कोर्ट के ऊपर खेली जाती है। और फ्रेंच ओपन हमारी क्ले कोर्ट के ऊपर खेली जाएगी, क्ले कोर्ट में, और ये मई के महीने में खेली जाएगी। ठीक है, ये दूसरी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, पहली ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन होती है, फिर विंबलडन और यूएस ओपन। तो दूसरी होती है हमारी फ्रेंच ओपन, जिसको और क्या नाम से बोला जाता है, और बोला जाता है इसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। और तीसरी है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो है वो 1877 के अंदर सबसे पहले खेली गई, और ये टेनिस के अंदर ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट होता है, ठीक है, ये है ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट, और जून जुलाई के अंदर ये खेला जाएगा। और ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट के ऊपर, ये याद रखना है, ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है विंबलडन ओपन। फिर है यूएस ओपन, ये लास्ट रहता है साल का, सबसे लास्ट जो है ग्रैंड स्लैम अगस्त के अंदर ये रहेगा, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, अगस्त के अंदर रहेगा यूएस ओपन। और ये चार जो है वो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है लॉन टेनिस के अंदर, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विंबलडन इसमें इम्पोर्टेंट है, और ये आपने याद रखना है, विंबलडन ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट होता है 1877 के अंदर, और ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाता है। इसके अलावा डेविस कप भी पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो ये लॉन टेनिस से रहेगा। फिर गोल्फ के अंदर प्रिंस ऑफ वर्ल्ड्स कप याद रखना है, और राइडर कप होता है, जो कि मेंस गोल्फ कंपटीशन होता है यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, ये रहता है हर 2 साल में खेला जाता है, राइडर कप और फिर वॉकर कप रहेगा। ये प्रिंस ऑफ वॉल्स, राइडर और वॉकर कप किसके अंदर? गोल्फ के अंदर रहेंगे। फिर हमारा टेबल टेनिस के अंदर स्वैथलिंग कप याद रखना है, स्वैथलिंग कप पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार, और ये स्वैथलिंग कप जो है वो किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है जो मेंस टीम चैंपियन रहते हैं, यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के जो विनर रहते हैं उनको दिया जाता है। तो ये मेंस से रिलेटेड रहेगा, यानी पुरुषों को दिया जाता है स्वेथलिंग कप, और महिलाओं को कॉर्विलॉन कप दिया जाता है, विमेंस के लिए ये रहेगा, ठीक है, यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो विमेंस की रहेंगी उनको ये दिया जाएगा कॉर्विलॉन कप, और स्वेथलिंग कप जो है वो मेंस के लिए रहेगा। और इलेक्ट्रा गोल्ड कप इसमें याद रखना है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप भी हमारा टेबल टेनिस के अंदर रहेगा। फिर पोलो के अंदर देखिए इजरा कप होता है, ये भी हमारा हर साल होता है इंडिया के अंदर, और काफी पॉपुलर पोलो का टूर्नामेंट रहता है इजरा कप। फिर है पृथ्वी कप, राधा मोहन कप और पलंका कप इसमें रहेगा, और ये टॉलेस्ट स्पोर्ट्स ट्रॉफी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और एक पोलो के अंदर काफी फेमस कप रहता है कार्टियर क्वींस कप, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस होता है पूरे विश्व के अंदर पोलो का ये कप, कार्टियर क्वींस कप, ये भी इसमें याद रखना है। फिर
कुछ हमारी जो रहती है, जैसे रग्बी के अंदर बेव एलिस कप याद रखना है, और हमारा वेटलिफ्टिंग के अंदर वर्धवान कप रहेगा, और हमारा बॉक्सिंग के अंदर किंग्स कप होता है, और रोइंग के अंदर बैलिंगटन ट्रॉफी याद रखनी है। ये भी हमारी हर साल ये कंपटीशन होता है, ठीक है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से इसका नाम पड़ा है, किसके नाम से? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो सिंपली कुछ एक कप और ट्रॉफी जो इम्पोर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने यहाँ पर कर ली है। इसमें आपको सिंपली याद रखना है कौन सी ट्रॉफी या कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, यही आपसे पूछा जाएगा ज्यादातर एग्जाम के अंदर। बाकी कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।